नमस्कार, आज हम लोग आ गए हैं अपनी नई वीडियो के साथ, स्टूडेंट लाइफ ब्लॉग्स के नई वीडियो के साथ, जो कि आज हम लोग कवर करने आए हैं चाणक्य हॉस्टल, जो कि फैकल्टी ऑफ लॉ के अंतर्गत आता है। चूँकि हॉस्टल अभी खाली है और हॉस्टल बहुत बड़ा है, इसमें कई लोग रहते हैं, मतलब BA, LLB और LLM के भी छात्र रहते हैं। क्या बस BA, LLB फर्स्ट ईयर के छात्र रहते हैं और ये BHU गेट से एंटर करने के दो चौराहे बाद आता है, चित्तूपुर गेट के पास है। चित्तूपुर गेट के पास आता है और लॉ फैकल्टी को कवर किया जा चुका है। फैकल्टी ऑफ लॉ जस्ट फैक्ट्री के नाम से भी भारत में लोकप्रिय है और साथ ही साथ चाणक्य हॉस्टल जो है सिर्फ BA, LLB और LLB करने वालों को नहीं, BA, LLB करने वालों को दिया जाता है, LLB करने वालों को भगवान दास दिया जाता है। तो भगवान दास हॉस्टल पे ढेर सारे, मतलब चाणक्य हॉस्टल में भी ढेर सारे रिक्वेस्ट थे और भगवान दास हॉस्टल पे भी ढेर सारा रिक्वेस्ट था, तो इसलिए हम आज आए हैं चाणक्य हॉस्टल कवर करने। इससे पहले हम लोगों ने LLB के एलुमनाई को भी कवर कर चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, राहुल कुमार, और जिन्होंने यहीं से जुडिशरी की पढ़ाई की और अभी PCS जुडिशरी में वो उनका चयन हुआ है बिहार PCS में। हाँ, उसको द नॉलेज स्कूप पे अपलोड किया गया है, जो कि हमारा स्टडी एजुकेशनल चैनल है आप बोल सकते हैं, और एलुमनाई टॉक हम कर रहे हैं जिसमें BHU, DU, JNU, अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को कवर कर रहे हैं जो NIRF के रैंकिंग से टॉप पे आता है उसको। तो चलते हैं, देखते हैं आज ये पूरा हॉस्टल, और साथ में हम इनको भी जोड़े हैं, ये छात्र हैं यहीं के, शुभम तिवारी नाम है इनका, और आज पूरा मेंटर करेंगे ये हमें कि हॉस्टल कैसा है, किसको मिलता है, क्या क्या सुविधाएं हैं, बाथरूम है, मेस है, कैसी सारी चीज़ें, एक ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग जानेंगे हॉस्टल में। देखते हैं, चलते हैं भैया। आप यहीं के छात्र हैं? भैया अभी तो यहाँ स्टूडेंट्स रह नहीं रहे हैं ना, पूरा अभी खाली चल रहा है, तो क्या अभी अलॉटमेंट नहीं हो रहा है क्या स्टूडेंट्स? अलॉटमेंट हुआ है लेकिन एज पर UGC गाइडलाइन लास्ट ईयर स्टूडेंट्स का ही अलॉटमेंट हुआ है। अच्छा, सिर्फ लास्ट ईयर वाले यहाँ पे रह रहे हैं? लास्ट ईयर BA, LLB के स्टूडेंट्स अभी हॉस्टल में हैं और अभी चूंकि फेस्टिवल सीजन है इस नाते से सब लोग अपने अपने। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी होती हैं थोड़ा सा समझाएंगे क्या? जैसे कि ये गार्ड हमेशा परमानेंट बैठे रहते हैं? गार्ड यहाँ परमानेंट रहते हैं, यहाँ पे जो है एंट्री रजिस्टर है, वहाँ पे सब चेक इन करना होता है, फिर आप हॉस्टल्स में जा सकते हैं। अच्छा, और ये किसके लिए? नोटिस बोर्ड हमें स्टूडेंट्स के लिए, कोई भी इवेंट होता है या कोई भी नोटिस होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, उसको यहाँ डिस्प्ले कर दिया जाता है, और इससे जो है मतलब लड़का अगर यहाँ से अप्रोप्रिएट टाइम पे इन्फॉर्मेशन कन्वे हो जाती है सारे विद्यार्थियों। अच्छा, तो अब जो है कम्युनिकेट करने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है। मतलब ये नोटिस बोर्ड है, कोई भी यहाँ से निकल रहा है गेट से तो देखते हुए निकले, और वहाँ पे क्या न्यूज पेपर लगाने के लिए वो बना हुआ है, वहाँ पे डेली न्यूज पेपर अपडेट होते हैं, अभी कोई विद्यार्थी है नहीं, न्यूज पेपर आदमी लेके पर्सनली पढ़ लेता है। अच्छा, तो विद्यार्थी रहते हैं उसमें न्यूज पेपर डला रहता है, सब लोग आकर अपना अपना पढ़ के चले जाते हैं। और ये न्यूज पेपर मतलब खर्चा किस कौन देता है इसका? हम लोगों के फी में ही इंक्लूड होता है, हॉस्टल की जो फी होती है उसमें इंक्लूड होता है। हिंदी इंग्लिश सारे न्यूज पेपर इसमें अपडेट किए जाते हैं डेली के। अच्छा, लेकिन कुछ टिफिन सर्विसेज है जो कि यहाँ पे रेगुलर काम करते हैं, टिफिन सर्विसेज है हमारे, जो महाराज जी हैं वही टिफिन पहुँचाने का काम करते हैं। अच्छा, और मैं इसका चार्जेस क्या भी है, जैसे महिला महाविद्यालय वगैरह में 3000 चार्ज है यहाँ पे। और देखिए क्या है कि कुछ स्पेशल डाइट होती है, कुछ जनरल डाइट होती है, जनरल डाइट 45 रुपए, स्पेशल डाइट 55-60 रुपए, कुछ ऐसा ही है पर डे का। हाँ, नहीं पर मील का। अच्छा, ये क्या आपका मेस? का मेस हॉल है, अभी तो चूंकि बंद है कोई है नहीं, तो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, यहीं पे बैठ के हम लोग कोई भोजन। अच्छा, ये काफी बड़ा दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे सारे विद्यार्थी यहीं भोजन किया। अच्छा, कई हॉस्टल में कई सारे मेस होते हैं। हाँ, इसमें सिर्फ एक ही है? हाँ, और इतना बड़ा नीचे में मेस है, इसी के ठीक ऊपर इसी साइज का एक कैंटीन है हम लोगों का। कैंटीन है, हम लोग चाय वाय पीते हैं। अच्छा, कैंटीन अलग, मेस अलग, यहाँ होता है और नाश्ता कैंटीन ऊपर है, ऊपर करते हैं, तो वो पूरे एक दिन के डाइट में भैया। हाँ, दो नाश्ता रहते हैं कि एक ही नाश्ता रहता है? नाश्ता का डाइट से कुछ का वो रिलेशन नहीं है। पैसा देकर के हम अपने मन वो महाराज जी चलाते हैं, और जो है कैंटीन जो है वो प्राइवेटली चलाई जाती है दूसरे व्यक्ति का। यहाँ पर आपको सिर्फ दो टाइम का जी, बस दो टाइम का भोजन मिलता है हम लोगों को, और खाना जो है बहुत लाजवाब मिलता है, इसमें कोई इफ्ट नहीं है, बहुत बढ़िया खाना मिलता है चाणक्य। अच्छा, बढ़िया खाना मिलता है। अच्छा, ये हमारा सेंटर है बीच में? जी, ये हमारा सेंटर है, और ऊपर जो है 3 फ्लोर है और टोटल 102 कमरे हैं, और 204 विद्यार्थियों की टोटल स्ट्रेंथ है। अच्छा, 102 कमरे हैं, और लगभग मैं आपने तीन फ्लोर बोला भैया, तो नीचे कितने लगभग बाथरूम हैं एक फ्लोर पे? देखिए, एक उधर कॉर्नर में है 3 बाथरूम। हाँ, 3 लैट्रिन, और जो है वो
मतलब हर फ्लोर पे बाथरूम होता है, ऐसा नहीं है कि और एक उस कॉर्नर में, हर फ्लोर पे दो दो कॉर्नर में दो दो बाथरूम का सेट। अच्छा, मतलब हर फ्लोर पे बाथरूम है, आपको कहीं ऊपर नीचे जाने की जरूरत नहीं है, हर चीज अवेलेबल है, वाटर कूलर से लेकर और पूरे रिसोर्सेस हर फ्लोर पे अपने अपने सेपरेट है। ठीक, आइए चलिए ऊपर चला जाए। अच्छा, ये सिक्योरिटी के लिए हमारे प्रोक्टोरियल गार्ड रखे जाते हैं जी, इनका जो है शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगाई जाती है, 12-12 घंटे की दो शिफ्ट लगाई जाती है। तो यहाँ भी आप लोग का अटेंडेंस वगैरह होता है क्या रात में? नहीं, रात में कोई अटेंडेंस नहीं। और टाइमिंग कुछ है हॉस्टल का? हाँ, 10 बजे के बाद रोल नहीं होगा, गेट बंद हो जाता है। गेट बंद हो जाता है, गेट तो आप आई होंगी तो ऐसे भी बंद रहा होगा, कारण ये है कि आपको यह नहीं देखिए, ये हमारा कैंटीन इतना बड़ा अभी बंद है क्योंकि कोई है नहीं। अच्छा, ये कैंटीन है, इसको इसमें से दिखाना, मतलब कैंटीन और मेस पूरे लॉकडाउन के लिए बंद है। हाँ, पूरे लॉकडाउन के लिए बंद है, ये हमारी लॉबी है, ये लॉबी है आपकी। अभी ये पूरे लॉकडाउन के बाद खुला भी नहीं है? नहीं, पूरे लॉकडाउन के बाद खुला नहीं है, खुला उन्हीं को है, नहीं खुला उन्हीं को है जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, एज पर यूजी गाइडलाइंस उन्हीं को दिया गया है हॉस्टल उन लोगों। अच्छा, मतलब नए लोगों को अभी तक नहीं बुलाया गया? नए लोगों को अभी नहीं बुलाया गया। ये रूम्स हैं? हाँ, ये रूम्स हैं। और ये भी लॉबी है, मतलब एक लॉबी ऐसे मान सकते हैं और एक हम ऐसे मान सकते हैं और एक उधर से, एक उधर से लॉबी, इधर भी कमरे हैं जी, इधर भी, उधर भी बाथरूम होगा। हाँ, उस साइड बाथरूम हर तरफ। अच्छा, इस तरफ बाथरूम है? हाँ जी। एक बार बाथरूम ले चलेंगे दोस्तों, आइए दोस्तों को दिखाएं बाथरूम की कैसा लगता है। ये तो कह सकते हैं कि बच्चे ना रहने के बाद भी बाथरूम साफ है। बाथरूम साफ है? हाँ। क्या ये एमएमबी से ज्यादा साफ लग रहा है? एमएमबी में चूंकि बच्चियां रह रही हैं तो नहीं, साफ सफाई तो हमेशा ऐसी ही रहती है, वो चाहे लड़के रहे ना रहे। अच्छा, आइए अंदर, ये है हमारे पास बेसिन, कॉमन है एमएमबी का और ये इक्वल है, और बच्चे नहीं रह रहे हैं उसके बाद भी इतना साफ है, हटने से बहुत ज्यादा साफ। ये एम्फीथिएटर ग्राउंड है, बगल में एमपी थिएटर ग्राउंड है जी, ये कोविड वाला हॉस्पिटल बना दिया गया है जी, अभी जो है वो जो है राजेंद्र मिश्रा कोविड हॉस्पिटल जो डीआरडीओ संचालित करता है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि इन्फेक्शन का कोई खतरा बगल में डीआरडीओ हॉस्पिटल? ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसा सीन नहीं आया, कोई केस आया नहीं, नहीं जब पेशेंट थे तब भी कोई केस नहीं आया है। अच्छा, अभी इस पे पेशेंट नहीं आया? अभी डब्ल्यू टेंट वगैरह लगा हुआ है, जो है पहले से लगा हुआ है ताकि तीसरी लहर आने के समय उसका ताकत से मुकाबला किया जाए। मैंने तो ऐसा सुना है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है और कॉन्ट्रैक्ट जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वो हटेगा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो प्रिकॉशन के लिए रखा गया। अच्छा, चलिए, बाथरूम दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम एक रूम देखना चाहेंगे। हाँ, रूम तो भैया आप ही का खुला है। हाँ, आइए दिखाते हैं। अभी तो एक रूम में एक ही स्टूडेंट रह रहे होंगे ना? तो लगभग कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं? वैसे 5वां साल है। 5वां साल है जी, काफी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा होगा। हाँ, थोड़ा एक्साइटिंग था। दोस्तों से पहले मैं सॉरी बोलता हूँ क्योंकि रूम की साफ सफाई लंबे समय से मैंने नहीं की है। हाँ। ये मेरा रूम है और जो है बहुत अस्त व्यस्त व्यवस्था में पड़ा हुआ है क्योंकि मैं खुद अभी बाहर से आ रहा हूँ। बाहर से आ रहे हैं ये, और अपना रूम इमीडिएटली दिखाने के लिए इन्होंने कुछ किया नहीं है। इमीडिएटली आपने दिखाया फिर भी साफ है। अच्छा, ये श्रीराम आपने लिखा है? नहीं, हमारे पूर्वजों ने लिखा है। पूर्वजों ने लिखा है, सीनियर एंसेस्टर्स बोल सकते हैं। मैं फर्स्ट ईयर में आया तो ऐसा ही लिखा हुआ था, और जैसे मिला है सेम टू सेम लिखा वैसे ही है। अगर क्या लगता है आपको कि ये जो रूम दिया जाता है बीएचयू में, क्या मतलब सफिशियंट चीजें दी जाती हैं, कुछ चीजें बढ़ाई जानी चाहिए इसमें? सफिशियंट चीज़ें हैं, थोड़ा सा जब गर्मी आती है उस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो अब क्या है कि चैम्बर्स में तो एसी अलाउ हो जाते हैं, कूलर से अलाउ हो जाते हैं टीचर्स के लिए, प्रोफेसर के लिए। हाँ। बड़े लोगों के लिए, लेकिन कॉमन स्टूडेंट जो है वो बड़ा पीड़ित महसूस करता है गर्मी के दिनों में, 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाती है। तो कूलर वूलर का तो व्यवस्था हो जाता है ना? नहीं, कहाँ अलाउ करता है प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन लिखित तौर पर ऐसा कोई गारंटी नहीं देता, कोई कूलर रखने की आपको परमिशन ही नहीं देता। कूलर प्रेस वेस रखने का भी परमिशन नहीं है? आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पाए जाते हैं तो उसके ऊपर विश्वविद्यालय प्रशासन कार्रवाई करेगा, ऐसा हॉस्टल मैनुअल में स्पष्टता लिखा हुआ है। अच्छा, लिखा हुआ है। फिर भी लोग तो रखते ही हैं, कुछ कंपलसरी चीजें तो रखते ही हैं, जैसे बच्चों के पास लैपटॉप है। हाँ। वो तो कंपलसरी है। लैपटॉप और फोन के लिए ये उस पर नहीं अप्लाई नहीं होता, आप नीचे जाएंगे हॉस्टल के लिए टर्म कंडीशन लिखे हुए हैं बोर्ड पे, आपको मैं दिखा दूंगा नीचे। अच्छा, नीचे चल के वो देखेंगे। और मतलब ये अभी कोविड में एक लोगों के एक रूम दिया गया है, और ऐसे यहाँ पे दो लोग रहते हैं कोविड जब नहीं था तो जी, और दो लोगों के लिए दो चौकी, दो टेबल, दो कुर्सी, एक पंखा, लाइट अपने से लगाना पड़ता है,
लाइट लगी हुई थी, लगी हुई एक बल्ब लगी हुई थी, दो कवर्ड मिलते हैं। गद्दा अपना लाना पड़ता है ना? हाँ, गद्दा वद्दा सब आपका निजी होता है। कवर्ड कवर्ड दिखा दो, बहुत सुंदर है इस वाले, मतलब कोई भी है इधर वाले। कबर्ड भी एक लोगों के लिए सफिशियंट है। हाँ, दो लोग मतलब कवर्ड मिलता है, स्पेशियस है। खून साफ करने के लिए साफ ही भी रखा हुआ है। हम भी पीते हैं। तो ठीक है, ये रहा हमारा पूरा रूम। ये फर्स्ट फ्लोर है। हाँ। ऊपर चलना चाहेंगे तो ऊपर भी चला जा सकता है। तो अभी चूंकि बंद है हॉस्टल तो स्वीपर्स भी नहीं आते नहीं, वो रेगुलर आते हैं, साफ सफाई करते हैं। अच्छा, साफ है कि अब थोड़ा सा उनका रोटेशन हो गया होगा, जो डेली आते होंगे वो वीक में दो दिन आते होंगे। रीजन ये है, कोई है नहीं, कोई है नहीं, तो गंदगी इतनी हो रही है। अच्छा, छत खुला हुआ है इसका? छत एक सोलर पैनल लगा, सोलर पैनल की वजह से बंद कर दिए हैं। आइए आपको पैनल निकालते हैं। सोलर पैनल से तो लग रहा है कि हर हॉस्टल हर फैकल्टी के ऊपर लगे हुए हैं। पूरी तरीके से नहीं हुआ है अभी, ऐसा कहा जा रहा है कि हो गया है। हुआ है कि नहीं कोई जानकारी नहीं, क्योंकि मैं प्रशासन का व्यक्ति नहीं हूँ, इस नाते से मैं कुछ भी दावे से नहीं कह सकता। अच्छा, सुनी सुनाई बातों पे ही मैं विश्वास करता हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, पैनल्स पूरे छत पे लगे हुए हैं। अच्छा, ये पैनल्स, इससे इलेक्ट्रिसिटी जाती है हमारे हॉस्टल के लिए ही। जी जी। अच्छा अच्छा, सोलर पैनल क्या, लोगों का कहना है कि सोलर पैनल लग जाने से छत का फ्रीडम खो गया लड़कों से, लोग यहाँ बैठ नहीं सकते। बैठने के लिए एक छत ऊपर भी है। ऊपर भी है? हाँ, इसके ऊपर जो छत है। हाँ? वो बच्चों के लिए अलाउड होता है? अलाउड तो नहीं है, लेकिन स्पेशल ओकेजंस पे अलाउड होता है, जैसे त्योहार, जन्माष्टमी के लिए। अच्छा, ऐसे वो लॉक्ड रहता है। जी, तो लगभग ये है पूरा। अच्छा, इसके जो बगल में एक लोकेशन बताइए भैया, ये इस हॉस्टल के बगल में कौन सा हॉस्टल है? ये भगवान दास हॉस्टल के बगल में, ये अंबेडकर है कि भगवान दास? अरे सॉरी, अंबेडकर हॉस्टल है, और ये जो रिसर्च स्कॉलर और एलएलएम के स्टूडेंट्स के लिए अलग होता है। अलग होता है, भगवान दास उसमें दूर क्यों रख दिए फिर? रखने का कोई वो नहीं है, मेन रीज़न ये है कि डिपार्टमेंट यहाँ बना, पहला हॉस्टल भगवान दास ही है तो हॉस्टल्स की लॉबी में बना। उसके बाद क्या हुआ कि डिपार्टमेंट की अपनी ज़मीन थी, तो लोगों ने सोचा कि यहीं हॉस्टल पीछे बना देते हैं, तो पहले ये बना, अंबेडकर बना, फिर उसके बाद जो है अपना चाणक्य बना। अच्छा, तो चूंकि वो पहले का है इस नाते से। अच्छा, ये ग्रीनरी, हम जब छत पे आते हैं तो हमें दिखेगा कि वो एंट्रेंस गेट है चाणक्य हॉस्टल का, और वो पूरा रूम है, थर्ड फ्लोर तक चीज़ें बनी हुई है, यहाँ पे इमारत है। और ये जो ग्रीनरी है आपको देखने में कुछ ऐसा मिलेगा, और वो जो अंबेडकर की बात कर रहे थे वो सामने है। और अच्छा, और यहाँ पे हम फिर से नीचे आ गए, और यहाँ पे बेसिन दिया हुआ था तो सोचा आपको दिखा दूँ। सफाई है, काफी कम लोग हैं फिर भी यहाँ पे, क्योंकि मेस हॉल के सामने है इसीलिए यहाँ पर आरओ और बेसिन दोनों ही लगा हुआ है। और यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं। वे लगभग हर हॉस्टल में अच्छा वो टर्म एंड कंडीशन नियम। जाते हैं तो वहाँ एक कॉमन चीज देखने को मिलता है कि एंट्रेंस पे सरस्वती जी की प्रतिमा है, तो यहाँ पर नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा कॉमनटी क्या, कॉमनटी हर हॉस्टल में ये है कि आप जिस हॉस्टल में जाएंगे, जैसे बिरला हॉस्टल में जा रहे हैं तो वहाँ पर बिरला जी की फोटो लगी होगी, आप जिस हॉस्टल में जाएंगे जैसे एलबीएस जाएंगे शास्त्री जी की फोटो लगेगी, आप एंट्रेंस पे देखिए वहाँ पे आचार्य चाणक्य जी की फोटो लगी। अच्छा। और हमारे जो है फाउंडर मालवीय जी की फोटो लगी। पुराने पुराने हॉस्टल्स में जैसे एमएमबी हमने कवर किया तो उसमें सरस्वती जी की प्रतिमा लगी हुई है, जो बहुत पुराना हॉस्टल है। तो ये लग रहा है बहुत ज्यादा पुराना हॉस्टल, ऐसा नहीं है जैसे कि परफॉर्मिंग आर्ट्स के भी बाहर एक अंदर मूर्ति सरस्वती जी की बहुत खूबसूरत सी रखी गई है, लेकिन आर्ट्स फैकल्टी के बाहर नहीं रखी गई है। हाँ। तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि हॉस्टल का अपना अपना वो जो है। हाँ। ये मेरे अंदर एक कंफ्यूजन था कि क्योंकि
क्योंकि ऐसा कहा गया हमको जब हॉस्टल्स मैंने विजिट किया कि जो बहुत पुराने पुराने हॉस्टल्स हैं उसके फ्रंट पे सरस्वती जी की प्रतिमा बकायदे रखी है। अच्छा इसको बताइए छात्रावास संबंधित नियम, ये हर स्टूडेंट को फॉलो करना होता है इसीलिए इसमें हर लिख के लगा दिया गया है ताकि जो है आपको किस्त क्लियर रहे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अच्छा पहला पॉइंट पढ़ेंगे क्या आप मेरे लिए? प्रत्येक छात्रावासी को मेस में सदस्यता लेना अनिवार्य है जी। लेकिन मेस की सुविधा तो अभी कई समय से बंद चल रही है जी। तो इसको छोड़ देते हैं अभी, ये लाजमी नहीं है पढ़ना। कमरे में खाना पकाना पूर्णतः वर्जित है, मतलब आप खाना अपना और गैस रख के जो है कुछ कुकिंग सेल्फ कुकिंग नहीं कर सकते। अच्छा नहीं कर सकते। तीसरा पढ़िए आप। छात्रावास में महिला अतिथि का प्रवेश वर्जित है क्योंकि मैं बस ब्लॉगिंग करने आई हूँ इसीलिए मेरा प्रवेश है, तो इनको हर जगह अलाउड है, इनको हर जगह अलाउड है। छात्रावास परिसर में धूम्रपान और खेल कूद करना जैसे कि जिससे कि हॉस्टल की प्रॉपर्टी डैमेज हो ये जो है। अच्छा दूध क्रीड़ा क्रीड़ा। हाँ छात्रावास के अंदर या बाहर रैगिंग किसी भी रूप में पूर्णतः वर्जित है और ये पूरे बीएचयू में ही वर्जित है। ये रैगिंग फ्री कैंपस है हमारा, वहाँ पे जो है रैगिंग अलाउड है। एडमिशन के समय बच्चों से एक एंटी रैगिंग फॉर्म भी भराया जाता है। अच्छा डोजियर फॉर्म भराया जाता है। रैगिंग पकड़े गए तो फिर आपको जेल भी हो सकती है। छात्रावास परिसर में कोई भी दो पहिया या मोटर वाहन रखना पूर्णतः वर्जित है। क्या बच्चे नहीं रखते हैं? छात्रावास की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या परिसर में थूकना या गंदगी फैलाना दंडनीय अपराध है। ये तो हर जगह होना चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए हमेशा। रात्रि 9 बजे के बाद कमरे में आगंतुक को ठहराने की अनुमति नहीं। अच्छा 9 बजे के बाद आपके यहाँ गेस्ट नहीं आ सकते छात्रावास। रात 10 बजे से 5 बजे तक हॉस्टल का गेट जो है बंद रहेगा। अच्छा रात के 10 बजे से 5 बजे तक बंद रहेगा। रात्रि के 10 बजे के बाद छात्रावास से बाहर निकलने वाले छात्र को चौकीदार के रजिस्टर में नाम, कमरा नंबर तथा बाहर जाने के समय आपको मेंशन करना, पूरा मेंशन करना होगा, रीजन बताना होगा, कोई ऐसा इमरजेंसी आ गया। अच्छा और लिखा है वहाँ पे कोई छात्रावासी प्रशासनिक संरक्षक की अनुमति के बिना बनारस से बाहर नहीं जाएगा, मतलब उनको जो है इन्फॉर्म करके जाना है कि हम बाहर जा रहे हैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन, मतलब वार्डन को बता करके जाना होता है। वार्डन को बता के जाना होता है। अच्छा ये वो तो एक अच्छा नियम है उनके लिए, क्या है कि उससे 3-4 रीजन हो सकते हैं उसके। एक रीजन ये हो सकता है कि वो भी जैसे मान लें वो आए और आप हॉस्टल में नहीं मिले तो उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है। रीजन ये है कि गार्जियन ओवरऑल वही है स्टूडेंट्स के। दूसरा रीजन ये है कि अगर आप आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, वार्डन को पता रहेगा, मिस महाराज को पता रहेगा, तो वो आपकी डाइट नहीं बनाएंगे, वैसे खाना वेस्ट भी नहीं होगा। इनके कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये नियम लगाया गया। अच्छा थर्ड लास्ट, संरक्षक की लिखित अनुमति के बिना छात्रावास से कोई बैठक या अन्य आयोजन नहीं कर सकता। अच्छा कोई यहाँ पर बैठक मीटिंग या कोई भी पार्टी सेलिब्रेशन बिना वार्डन की अनुमति के नहीं नहीं कंसल्ट करना नहीं। अच्छा ये जो नियम है इसको फॉलो, उपरोक्त नियमों या पालन न करने पर घोर अनुशासन ये मानी जाएगी। अच्छा मतलब ये ऊपर का अगर आपके अगेंस्ट में अगर ऐसा कुछ आपके पाया जाएगा जी, ये बढ़िया है कि सारा नियम पहले ही लिख दिया गया है ताकि जो आपको कोई कंफ्यूजन, ऐसा बहुत कम हॉस्टल्स में देखने को मिलता है कि नियम स्टार्टिंग में ही लिख दिया गया है या यहाँ हमको पहली बार देखने को। तो ये लगभग था हमारा पूरा हॉस्टल। के साथ हम लोग वीडियो के एंड तक आ गए हैं और चाणक्य हॉस्टल हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है जिसमें BA LLB के छात्र रहते हैं। चूँकि हॉस्टल अभी बंद है तो फिर भी हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, मेस रूम लॉबी छत सब कुछ हमने दिखा दिया है, फ्रंट गेट लोकेशन सब कुछ बता दिया है और लॉ फैकल्टी पहले ही कवर हो चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एलुमनाई टॉक के माध्यम से एलुमनाई को भी हमने कवर कर लिया है जो यहाँ के एलुमनाई रहे हैं और अभी जुडिशियरी में है, बिहार जुडिशियरी में, उनका भी वो एलुमनाई टॉक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और डिफरेंट जो इसके हॉस्टल डिफरेंट जो लॉ फैकल्टी के और हॉस्टल्स हैं उनको भी हमने कवर कर लिया है जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके देख सकते हैं। और दरअसल बात ये होती है कि BHU में जब एक छात्र आता है तो BA का फॉर्म भरता है, BA आर्ट्स या सोशल साइंस या फिर BA LLB का। तो अगर आप BA का भी मतलब
अगर आप बीए एलएलबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप बीए आर्ट्स सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जनहित में जारी था, उसके लिए जो 12 पास करके अभी तुरंत निकलेगा वो, मतलब लोग पूछते हैं कमेंट में ना कि ये मैं इससे हूँ, ये कर सकता हूँ क्या, तो आप किसी भी मैथ से भी हैं फिर भी आप बी एल एल बी के लिए कर सकते हैं। और बस आप इंटरमीडिएट और इसकी जो पढ़ाई होती है फैकल्टी ऑफ लॉ में होती है, कवर है, आर्ट्स फैकल्टी पूरा कवर किया जा चुका है। और आर्ट्स फैकल्टी के 4 हॉस्टल हैं, बॉयज़ हॉस्टल 4 हैं, बिरला ए, बिरला बी, बिरला सी और लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल। चारों हॉस्टल लिंक डिस्क्रिप्शन में कवर किया जा चुका है। और लड़कियों का 2 हॉस्टल, एक त्रिवेणी एक भारतेंदु, त्रिवेणी पूरा अंदर 6 हॉस्टल कवर किया जा चुका है, मतलब त्रिवेणी एक संकुल है, और भारतेंदु भी कवर किया जा चुका है। और सोशल साइंस के 4 हॉस्टल राजा राम, मुना देवी, एएनडी और ब्रिजनाथ, ये भी कवर किया जा चुका है। तो सब चीज़ें कवर किए जा चुके हैं। लॉ फैकल्टी के लड़कियों को कौन सा हॉस्टल मिलता है? वही जो त्रिवेणी में ही लड़कियों को भी हॉस्टल, त्रिवेणी में ही लड़कियों को हॉस्टल मिलता है ये बोल रहे हैं, और हम ये बोल रहे हैं कि त्रिवेणी हॉस्टल कवर किया जा चुका है। तो मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में नए अंदाज के साथ, और तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। मिल लीजिए इनसे भी, ये है पायल, धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और बने रहिए हमारे साथ और आगे एजुकेशनल ब्लॉग आपको ऐसे दिखाते रहेंगे। आप अपना प्यार देते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।